अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद उस्मान शेख है। मैं एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन, पब्लिक हेल्थ कंसल्टेंट हूँ। आज 28 जुलाई है और वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे अवेयरनेस प्रोग्राम के बारे में आज मैं आपसे मुखातिब हूँ। हेपेटाइटिस डे के अंदर हम हेपेटाइटिस से रिलेटेड यानी जिगर के सोजिश से रिलेटेड बात कर रहे हैं। जिगर को सोजिश वायरल हेपेटाइटिस, यूजली हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी और हेपेटाइटिस डी शामिल है। वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे के अंदर एवेसिना की काबिशों के मुताबिक यहाँ पर रेगुलर स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स और इसका इलाज और मुआवजा किया जाता है। रेगुलर स्क्रीनिंग प्रोग्राम के अंदर हम हेपेटाइटिस बी और सी की तशखीस के लिए हम उन्हें स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स क्रिएट करते हैं ताकि वो लोग जिनको अपने बारे में मालूम नहीं है कि वो इस मर्ज़ में मुबतला हैं ताकि वो जान सकें। उसके अलावा हम यहाँ पर हेपेटाइटिस सी से रिलेटेड जिसका इलाज और बी का इलाज यहाँ पर मुमकिन है और यहाँ पर हम हर तरीके से फैसिलिटेट करते हैं ताकि तमाम अद्वियात रेगुलर टाइम पे अपने मरीजों को दी जा सके। और यहाँ पर वैक्सीनेशन का रेगुलर प्रोग्राम है, ख़ास तौर पे बच्चों में जो हेपेटाइटिस बी से रिलेटेड वैक्सीन है, और प्राइवेटली तौर पर यहाँ पे हेपेटाइटिस ए से रिलेटेड वैक्सीन भी लगाई जाती है। चूँकि हेपेटाइटिस ए ईपीए प्रोग्राम ऑफ पाकिस्तान के अंदर शामिल नहीं है, लेकिन हम हेपेटाइटिस ए की वैक्सीन के बारे में भी अवेयरनेस क्रिएट करते हैं ताकि पेरेंट्स अपने बच्चों को हेपेटाइटिस ए से भी हिफाजती टीका लगवाएँ ताकि इससे भी बचा जा सके।